वेल हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हर एक जो लॉज जिसका भी है एक्सपोनेंट्स का, उन सब का हम लोग एक एग्जांपल लेके ले लेंगे। अगर पिछला वीडियो जो जहाँ पे मैंने लॉज को एक्सप्लेन किया था वो अगर एक नहीं देखी देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको एक बार देख लेना तो आसानी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि इसमें ऐसा था कि फॉर्मूला जितना भी था सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे हम लोगों का 2^3 है इंटू 2^4 है, तो वो क्या बन जाएगा, पावर हम लोग ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2^3 + 4 यानी 2^7। नेक्स्ट क्या है, अगर डिवाइड करेंगे सेम, मान लो कि एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2^3 है डिवाइडेड बाय 2^4 है, तो वो क्या बन जाएगा, 2^3 - 4, ये हम लोगों का बन जाएगा 2^-1। नेक्स्ट हम लोगों का पावर ऑफ पावर जो है, पावर ऑफ पावर मतलब पावर का भी पावर, तो इसका मान लो कि 2^3 है उसके पावर में 4 है, तो देखो यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2^3 × 4 यानी 4 × 3 = 12 बन जाएगा। अब आ रहा है पावर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे में प्रोडक्ट है उसका भी पावर है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग ले रहे 2^3 ×, अब यहाँ पे बी है मतलब कोई और वेरिएबल, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये 5 लिया है, 5 ही लिया नॉर्मल, और उसका पावर में मैं 4/4 आ रहा हूँ, तो क्या होगा, ये 2^3 जैसे है, जैसे ये 2^3 हम लोग का है, ऊपर से इसका पावर चढ़ जाएगा 4 और वापस 5 का भी पावर चढ़ जाएगा 4, मतलब ये पावर जो 4 है वो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का जो भाग है कि नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल कैसे होता है, यहाँ पे मान लो कि 2^-4 है, तो ये बन जाएगा हम लोग का 1/2^4, ये एकदम बहुत ही सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला था पिछले वीडियो में, कुछ भी नंबर हो उसका पावर में अगर 0 है तो वो 1 होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2^0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, और मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा एक नंबर है 9999 करके कुछ नंबर दे दिए, उसका पावर में हम लोगों का 0 दे दिया तब भी ये बन जाएगा 1, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो या फिर कैसे भी नंबर हो 0 बैठेगा, पावर में अगर 0 है तो वो 1 बैठेगा। अच्छा, कभी भी एग्जाम में तुम लोग नहीं देखोगे कि 0^0 क्या है, उसका एक अलग ही चक्कर है, तो हम लोग कभी 0^0 कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कभी आएगा भी नहीं, ऐसे लिखेंगे भी नहीं, उसका पूरा एक अलग ही चक्कर है, उसका कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे हम लोग। पावर ऑफ फ्रैक्शन बोल रहे हैं, पावर फ्रैक्शन का मतलब देखो, दोनों अलग नंबर ए बी मतलब सेम नंबर भी हो सकता है, सेम नंबर होगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर मान लो कि दोनों एग्जाम्पल करते हैं, मान लो कि 2/3 है, 2^7 में हम लोगों का 7 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 2^7 जैसे फॉर्मूला में है, और 3^7। अब मान लो कि कोई बोला कि यहाँ पे 2^5 है डिवाइडेड बाई 2^1 है और उसका पावर चल रहा है 7, तो क्या होगा, पहले हम लोग जो ये नॉर्मल वाला देखो ब्रैकेट के अंदर वाला डिविजन है तो वो हम लोगों का इसी रूल से आ जाएगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग पावर 7 ले लेंगे, एकदम सिंपल। थैंक यू, तो इसका अगला वीडियो में हम लोग कुछ सम्स करेंगे, तो ये बेसिकली दो वीडियो जो था वो किसी भी क्लास के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगला वाला जो बनेंगे वो बेसिकली क्लास 7 के लिए होगा, आगे का क्लास का ही मैं बनाते जाऊंगा। थैंक यू।